आज सुबह की शुरुआत होती है पतीले में मिट्टी लगाने से, क्योंकि हम पापड़ बनाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको उसकी पूरी विधि बताएंगे। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलने के बाद आ जाते हैं हम अपने चूल्हे के पास, और चूल्हे में आग जलाने के बाद हम रख देते हैं इस पे पतीला। पतीले में पानी डालने के बाद हम इसमें एक एक करके सारा आलू डाल देते हैं, और आलू डालने के बाद आलू थोड़ी देर के बाद हो जाता है और मेरी टीम द्वारा इसे कार्रवाई में लिया जाता है। तो यहाँ पे आलू छिलने के बाद, इसे घिसने के बाद हम इसमें ये मसाला डालते हैं, और मसाले को डालने के बाद अच्छे से लपेटने के बाद हम आ जाते हैं इसके आलुओं की छोटी छोटी लोई बनाने के बाद हम इसे कुछ इस प्रकार पॉलीथीन पे रख के तेल लगा के और इसे दबा के पूरा अच्छे से साड़ी पे फैला देते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे पापड़ को एक एक करके फैला देते हैं और इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और सूखने के बाद हम इसे एक और साड़ी से कवर करके पूरे धूप में छोड़ देते हैं। फिर शाम के समय मैं चले जाती हूँ और इसे एक एक करके सारे पापड़ों को निकाल लेती हूँ। और मैं बता दूँ, ये अकेले का विषय नहीं है, इसे 4-5 लोग करेंगे तो ही हो पाएगा। और आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।